हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किशोर एक्वेरियम चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, अपने एक्वेरियम को वाटर कैसे क्रिस्टल क्लियर ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए एक बार, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें मैंने बताया कि फीडिंग टाइम और फूड कैसे, कब और कितने बार खिलाना चाहिए फिशेस को। अगर आप ज़्यादा फूड खिलाते हो तो पानी बहुत जल्दी गंदा हो सकता है, तो ये बहुत सारे रीजन्स है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखते रहिए। और गाइज, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे एक्वेरियम में कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा है, और ये पानी चेंज करके मुझे 10 दिन ही हुआ है गाइज। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एक भी मतलब प्रॉब्लम नहीं देखेंगे आपको। ये देखिए, इतना पूरा क्लियर है वाटर। सो गाइज, ये मैंने क्रिस्टल वाटर कैसे लिया, तो ये बहुत ईजी है, मतलब बहुत भी कुछ भी मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ, आपका अगर एक्वेरियम बहुत बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जितना बड़ा एक्वेरियम है उतना टाइम लगता है। और डिपेंड भी है कि आपके पास कौन सा फिल्टर है, अगर टॉप फिल्टर है, इंटरनल फिल्टर है, कैनिस्टर फिल्टर है, तो सब फिल्टर्स अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं और अपने अपने हिसाब के साइज, एक्वेरियम के साइज से वर्क करते हैं। तो डिपेंड, और एक चीज़ है, जैसे अभी ये मेरा एक्वेरियम डेकोरेटिव एक्वेरियम है, इसमें प्लांट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आपका एक्वेरियम प्लांटेड है तो आप उसमें थोड़ा पावर वाला ही फिल्टर लगाएं, क्योंकि वो क्या हैगा कि जितना भी डर्ट है वो सब उसका क्लियर कर देंगे, क्योंकि प्लांटेड एक्वेरियम में जल्दी गंदा दिखता है जो भी वाटर है। तो ये डेकोरेटिव एक्वेरियम में इतना गंदा तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सब आर्टिफिशियल चीज़ें, बस फिशेस ही रियल है और बाकी सब आर्टिफिशियल है। तो गाइज, ये सब अगर आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है आपका फिल्टर और पानी चेंज और फीडिंग। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फूड कितना खिलाते हैं, फिल्टर कौन सा लगाते हैं और पानी कितना चेंज करते हैं, ये सबसे तीन इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फिल्टर आपने कौन सा यूज़ करना चाहिए। आपका एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से आप वो फिल्टर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका साइज अगर 1.5 फुट का, जैसे मेरा 1.5 फुट टैंक है, तो इसमें मैंने अपना इंटरनल फिल्टर लगाया हूँ, ये देख सकते हैं सेबो का, ये 600 लीटर पर हावर क्लियर कर रहा है वाटर। अब मेरा ये 60 लीटर का वाटर है, तो सोच लीजिए कि ये कितने घंटे में कितना क्लियर कर रहा है वाटर। और उसके बाद एक स्पॉन्ज फिल्टर, ये देख सकते हैं एक स्पॉन्ज फिल्टर है मेरे अंदर। तो ये इसका रीज़न क्या है मैंने लगाने का दो दो फिल्टर। अब जैसे स्पॉन्ज फिल्टर अपने तरह से वर्क करता है, अपने ये क्लीनिंग के लिए नहीं होता है स्पॉन्ज फिल्टर, और इंटरनल फिल्टर जो है वो क्लीनिंग के लिए होता है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ऑक्सीजन लेवल क्लियर कर रहा है अपना स्पॉन्ज फिल्टर, और इंटरनल फिल्टर अपना क्लीनिंग कर रहा है, दोनों काम अपने हिसाब से करते हैं। तो अगर आप एक्वेरियम ले रहे हैं और नया एक्वेरियम सेटअप कर रहे हैं, तो दोनों फिल्टर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैंने अपना नोटिस कर लिया हूँ। क्योंकि ज़रूरी क्या है चीज़ें, अगर आप स्पॉन्ज फिल्टर लगाते हैं तो इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया अगर जल्दी क्रिएट होते हैं तो आपका एक्वेरियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि जो भी अमोनिया है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम फिशेस का वेस्ट है वो सब खा लेती है अमोनिया, अमोनिया वगैरह सब मर जाता है, बैक्टीरिया खा लेती है पूरा उसको। और इंटरनल फिल्टर क्या करता है, जो भी वेस्ट है वो सब अपने अंदर खींच लेता है और वो वाटर क्लियर करते रहता है। सो गाइज, ये दोनों फिल्टर बहुत ज़रूरी है आपके एक्वेरियम के। दूसरी बात जो है वो है एक्वेरियम का पानी चेंज करते रहना चाहिए वीकली। क्यों? क्योंकि गाइज, अगर आपने उसको ज़्यादा दिन रख दिया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होंगी, फिशेस जितना भी वेस्ट करेंगे उतना उसका अमोनिया क्रिएट करते रहेंगे और पानी गंदा होते रहेंगे, इसलिए आपको वीकली अपना पानी चेंज करते रहना चाहिए। तो आप पानी कितना चेंज करना चाहिए, इसका 20% ही चेंज करना चाहिए। डिपेंड है कि आपके पास कितना बड़ा एक्वेरियम है, अगर आपके पास बहुत बड़ा एक्वेरियम साइज है तो फिर आप बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम 20% या 30%, डिपेंड ऑन योर एक्वेरियम। सो हमेशा अगर गाइज, अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है या छोटा है वो डिपेंड करता है। मेरा एक्वेरियम 1.5 फुट का है, तो मैं इसमें सिर्फ 15% वाटर चेंज करता हूँ वीकली, और उसके बाद नहीं करता हो। हाँ, पानी जैसे ही चेंज होता है उसके बाद में उसमें क्लोरीन क्लियर करने के लिए उसकी मेडिसिन जो है वो डालना पड़ता है, तो वो ज़रूरी है एंटी क्लोरीन यूज़ करना हमेशा जैसे आप पानी चेंज करते हैं, क्योंकि अगर आप पानी चेंज करते रहेंगे और क्लोरीन डालना भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, फिशेस मर भी सकती है उससे। तो गाइज, ये सब चीज़ें हैं।
अब मैंने एक मेडिसिन ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, ये देखिए माइक्रोलाइफ दिख रहा हूँ आपको। ये माइक्रोलाइफ क्या करता है गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये जल्दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट कर देंगे आपके एक्वेरियम में। अब ये मैंने ऑर्डर करने का रीज़न क्या है गाइज, रीज़न यही है कि मेरा एक्वेरियम जो है वो आर्टिफिशियल है, मतलब इसमें डेकोरेटिव आइटम्स है, प्लांटेड नहीं है। अब प्लांटेड रहता तो उसमें कहाँ बेनिफिशियल बैक्टीरिया जल्दी क्रिएट होते हैं, प्लांटेड एक्वेरियम में इतना ज़्यादा नीड नहीं रहता है, बट ये आर्टिफिशियल एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा नीड रहती है इसकी, क्योंकि वो पत्थरों में तो बैठ नहीं सकते, वो बैठ सकते सिर्फ स्पॉन्ज में, और स्पॉन्ज में बैठ सकते और पावर फिल्टर में बैठ सकते बेनिफिशियल बैक्टीरिया, दो ही जगह बैठ सकते और कहीं और जगह बैठ नहीं सकते। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट करने के लिए मैंने फास्ट, तो ये मैंने एक माइक्रोलाइफ ऑर्डर किया हूँ, तो इसको बहुत कम क्वांटिटी डालनी चाहिए आपके एक्वेरियम के वाटर के हिसाब से, मतलब जैसे ही आप 10 ml यहाँ पे डोजेस लिखा है 100 liter ऑफ वाटर, तो आपका एक्वेरियम का वाटर कितना है वो डिपेंड करता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है इससे, तो ज़्यादा भी डालना नहीं चाहिए, इसका डोजेस बहुत कम डालना चाहिए, 5 ml सफिशेंट है इतना। ये 100 liter वाटर है तो मतलब 50 liter का अगर वाटर आपका एक्वेरियम है तो आप समझ जाना कि आपको 5 ml ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको वाटर में। तो गाइज ये सब चीज़ें होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ओवर फीडिंग का तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सभी को लगता है कि हमारे फिशेज भूखी है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा तो सभी के फिशेज आ जाएंगे दौड़ के, ये देखिए है आ गई। तो रीज़न यही है कि फिशेज को मतलब जब चाहिए तब खाना खिला देते हैं, उसके बाद फिर वो जितना यदि उतना वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ओवर फीडिंग से उनका पानी जल्दी गंदा हो जाता है, और जल्दी गंदा जैसे हो गया उनका, वो फिर वही सोचते हैं कि मेरा पानी जल्दी गंदा हो रहा है, फिर वो पानी क्लियर नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि ओवर फीडिंग है। तो गाइज बहुत कम खाना खिलाना चाहिए, दो ही टाइम सफिशेंट है, 10 और सुबह के 10 तो रात के 10 बस, इससे ज़्यादा नहीं टाइम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। और अगर आपने ओवर फीडिंग कर दिया तो यही प्रॉब्लम है कि आपका पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। पानी चेंज करने के बाद आपका पानी जल्दी क्लाउडी हो जाता है गाइस। तो क्लाउडी होने का रीज़न यही है कि वही है कि जो पानी जैसे ही चेंज होता है तो ये पानी क्लाउडी हो जाता है, वो कुछ दिन रहता है क्योंकि उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहता है। हाँ, अगर वो 30 दिन मतलब 2 या 3 दिन से ज़्यादा अगर रहता है तो आपको पानी इमिडिएटली चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप उसमें ओवर फीडिंग करा दिए होंगे उसमें, यही रीज़न है। और एक एक्वा क्लियर है जो कि आप उनको दे बहुत कम डालना चाहिए उसको, एक्वा क्लियर को भी, तो आप ये अगर डालते हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है ये। तो आप अगर इसमें ये क्वांटिटी डिपेंड है, सो गाइस।